हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे। जो पेपर हमारा 28 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका पेपर हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी। साथ ही यदि आपने 2021-22 वाले पेपर्स नहीं देखे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही यदि आपने मेरे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। उस चैनल पर मैं काफ़ी अच्छे अच्छे स्टोरीज की वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे स्टोरीज वहाँ पर मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, तो फिर प्लीज़ उस चैनल को भी अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस को करने के लिए इस पैराग्राफ को पढ़ना है, गद्यांश से ही है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय के उस पार का सारा पानी लेकर असम से होती हुई पश्चिम की ओर बहती है और गंगा इस ओर से पूर्व की ओर बहती है, उनकी आमने सामने भेंट कैसे हो, कौन किसके सामने पहले झुके, कौन किसे पहले रास्ता दे, अंत में दोनों ने तय किया कि दोनों को दाक्षिण्य धारण कर सरितपति के दर्शन के लिए जाना चाहिए और भक्ति नम्र होकर जाते जाते जहाँ संभव हो रास्ते में एक दूसरे से मिल लेना चाहिए। इस प्रकार गो आलंदी के पास जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का विशाल जल आकर मिलता है, तब मन में संदेह पैदा होता है कि सागर और क्या होता होगा। विजय प्राप्त करने के बाद कसी हुई खड़ी सेना भी जिस प्रकार अव्यवस्थित हो जाती है और विजय वीर मन में आए वैसे जहाँ तहाँ घूमते हैं, उसी प्रकार का हाल इसके बाद इन दो महान नदियों का होता है। अनेक मुखों द्वारा वे सागर में जाकर मिलती हैं। प्रत्येक प्रवाह का नाम अलग अलग है और कुछ प्रवाहों के तो एक से अधिक नाम हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र एक होकर पद्म का नाम धारण करती हैं, यही आगे जाकर मेघना के नाम से पुकारी जाती हैं। फ्रेंड्स, ये था छोटा सा गद्यांश, चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सरितपति के दर्शन के लिए जाना चाहिए, वाक्य से तात्पर्य है। नंबर 1, नदी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। 2, समुद्र के दर्शन के लिए जाना चाहिए। 3, झील के दर्शन के लिए जाना चाहिए। 4, पृथ्वी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, समुद्र के दर्शन के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सरितपति का अर्थ है। नंबर 1, सर की उत्पत्ति। 2, सरिता का स्वामी। 3, सरिता की उत्पत्ति। 4, सलिल का पति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सरिता का स्वामी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम होता है। नंबर 1, गोलबंदी में। 2, गो आलंदी में। 3, पोरबंदर में। 4, गंगा सागर में। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम होता है गो आलंदी में, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कसी हुई सेना से तात्पर्य है। नंबर 1, युद्ध के लिए सज्ज होना। 2, तंग हुई सेना। 3, अव्यवस्थित सेना। 4, खड़ी हुई सेना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, युद्ध के लिए सज्ज सेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अनेक मुखों द्वारा वे सागर में जा मिलती हैं, रेखांकित वाक्य से क्या तात्पर्य है। नंबर 1, दोनों नदियों के अनेक मुंह हैं। 2, दोनों नदियां अनेक धाराओं वाली हैं। 3, दोनों नदियां अनेक धाराओं में बढ़ जाती हैं। 4, दोनों नदियां समुद्र में मिलने के पश्चात अनेक धाराओं में बढ़ जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों नदियां अनेक धाराओं में बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में संगम के पश्चात डैश के नाम से जानी जाती हैं। नंबर 1, गंगा। 2, हुगली। 3, पद्मा। 4, मेघना। तो ये जानी जाती हैं फ्रेंड्स पद्मा के नाम से, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विजय का सटीक विलोम शब्द है। नंबर 1, हार। 2, जीत। 3, पराजय। 4, जय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पराजय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अव्यवस्थित में प्रत्यय है। अव्यवस्थित में प्रत्यय है इत, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
किस इनमें से किस में प्र उपसर्ग नहीं है, प्रवाह, प्रत्येक, प्रचार, प्रमोद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सॉरी फ्रेंड्स, प्रत्येक जो वर्ड है इसमें प्रत्येक में प्रति शब्द उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रा का उपयोग नहीं हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा पैराग्राफ है, काव्यांश है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फ्रेंड्स, ये छोटा सा काव्यांश था, काफ़ी अच्छा है, तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, कविता का मुख्य स्वर डैश है। नंबर वन साहस एवं खोज, टू उत्साह एवं साहस, थ्री उत्साह एवं अन्वेषण, फोर साहस एवं पलायन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, उत्साह एवं साहस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, हमें चींटी से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। नंबर वन दाना लेकर चलना कठिन कार्य नहीं है, टू हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, थ्री पराजित होने पर भी पुनः प्रयास करना चाहिए, फोर फल की इच्छा से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, पराजित होने पर भी पुनः प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, साहस की प्राप्ति का मूल आधार है। नंबर वन विश्वास, टू दीवार, थ्री दाना, फोर परिश्रम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, विश्वास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, जो व्यक्ति निरंतर मेहनत करते हैं वे नंबर वन प्रतिष्ठा व पद प्राप्त करते हैं, टू सम्मान व पदक पाते हैं, थ्री असफल नहीं होते, फोर सफल नहीं होते। तो जो व्यक्ति निरंतर मेहनत करते हैं वे असफल नहीं होते, ऑप्शन नंबर थ्री इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, हार शब्द डैश शब्द है। नंबर वन समानार्थी, टू अनेकार्थी, थ्री पर्यायवाची, फोर यौगिक। तो यह एक अनेकार्थी शब्द है, ऑप्शन नंबर टू इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, साहस शब्द है। नंबर वन व्यक्तिवाचक संज्ञा, टू भाववाचक संज्ञा, थ्री जातिवाचक संज्ञा, फोर सार्वनामिक विशेषण। तो साहस एक भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर टू इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, अब हमारे पेडागॉजी के क्वेश्चन शुरू हो गए, तो चलिए पेडागॉजी के क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, एक भाषा से अधिक भाषाओं का ज्ञान नंबर वन भाषा की कक्षा में अध्यापक के लिए बोझ बन जाता है, टू नई कक्षा में अधिगम के दौरान शिक्षार्थियों को समनुरूप बनाता है, थ्री नई भाषा के शिक्षण अधिगम में बहुत सहायक है, फोर नई भाषा के अधिगम में व्यवधान पैदा करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, नई भाषा के शिक्षण में अधिगम में बहुत सहायक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, एक अध्यापक का यह मत है कि बच्चों के मस्तिष्क में जन्म से ही व्याकरण के नियम हैं, इसलिए वे अनेक भाषाएँ सीख सकते हैं, भाषा अर्जन के प्रति उसका उपागम किससे मेल खाता है। नंबर वन व्यवहारवादी, टू संज्ञानवादी, थ्री प्रकृतिवादी, फोर रचनावादी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, प्रकृतिवादी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, पुस्तकालय के सत्र में विद्यार्थी पुस्तकालय में अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ते हैं, वे किस प्रकार के पठन में संलग्न हैं। नंबर वन गहन पठन, टू बारीकी से पठन, थ्री विस्तृत पठन, फोर चुनौतीपूर्ण पठन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, विस्तृत पठन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश का क्या तात्पर्य है। नंबर वन कक्षा में बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पढ़ने सामग्री पढ़ने के अवसर देना, टू बच्चों को मुद्रित हस्तलेख सीखने के अवसर देना, थ्री बच्चों को हाथ से छपाई करने के अवसर देना, फोर बच्चों को अपने आसपास के परिवेश से व्यर्थ सामग्री चुनकर कुछ नया सृजित करने के लिए कहना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, कक्षा में बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पढ़ने सामग्री पढ़ने के अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के तीन चरण कौन से हैं। नंबर वन अक्षर शब्द वाक्य, टू ध्वनियाँ स्वरमान पिच सुरतान, थ्री अक्षर तुकबंदी स्वर्णिम, फोर गहराई गति तुकबंदी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, अक्षर तुकबंदी स्वर्णिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स,
कौन सी आयु से स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के तीनों स्तर जैसे कि अक्षर, तुकबंदी और स्वर्णिम विकसित होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 1 3 से 4 वर्ष की आयु में, 2 4 से 5 वर्ष की आयु से, 3 5 से 6 वर्ष की आयु, 4 6 से 7 वर्ष की आयु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 से 6 वर्ष की आयु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक मानक पठन परीक्षण देने के लिए अध्यापक के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी? नंबर 1, बच्चों से यह कहें कि परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और वे इस परीक्षा में अपना सर्वोत्तम दे सकते हैं। 2, अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाने वालों को अलग से पढ़ाना यह मानकर कि शेष विद्यार्थी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर ही लेंगे। 3, परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करवाना। 4, विद्यार्थियों को मानक परीक्षण की विशेषताओं की व्याख्या करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करवाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक प्रत्येक बच्चे पर नई पाठ सामग्री के पठन के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है। इस अध्यापक का यह विश्वास है कि नंबर 1, सभी शिक्षार्थी समूह में बेहतर तरीके से सीखते हैं। 2, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसी तरह से बताया जाता है। 3, इस तरह से अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के बेहतर अवसर मिलते हैं। 4, बच्चे भिन्न भिन्न गति से तथा भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चे भिन्न भिन्न गति से तथा भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना श्रेयस्कर है क्योंकि नंबर 1, इससे अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है। 2, इससे शिक्षण सरल हो जाता है। 3, यह बौद्धिक विकास में सहायक है। 4, यह बच्चों को स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह बच्चों को स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा अधिगम के लिए निवेश समृद्ध परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि इससे बच्चे नंबर 1, लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक नियमों को याद कर लेते हैं। 2, भाषा की संरचना समझ पाते हैं। 3, लक्ष्य भाषा को घर की भाषा में अनुवाद करके भाषा सीखते हैं। 4, जहाँ जहाँ भाषा किसी भी रूप में दिखती है उस पर ध्यान देते हैं और सीखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जहाँ जहाँ भाषा किसी भी रूप में दिखती है उस पर ध्यान देते हैं और सीखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, लेखन पूर्व प्रक्रिया के लिए अध्यापक ने बच्चों से कहा कि वे लिखने की तैयारी के लिए अपने अपने विचार संयोजित करें। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति लेखन पूर्व प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? नंबर 1, मानस मानचित्रण। 2, मुक्त लेखन। 3, मानस मंथन। 4, सहपाठियों से समीक्षा करवाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सहपाठियों से समीक्षा करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विद्यार्थियों की लेखन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में सहपाठी द्वारा की गई समीक्षा का उद्देश्य क्या है? नंबर 1, अपने अपने सहपाठियों की गलतियां ढूंढने में आत्मविश्वास पैदा करना। 2, सहपाठियों को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना जिससे उन्हें अपने प्रारूप में संशोधन करने के अवसर प्राप्त हों। 3, लिखने के लिए नए नए विचार मिल सकें व विकसित हो सकें। 4, विचारों से संबद्धता स्थापित कर अनुच्छेद बनाकर लिख सकें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सहपाठियों को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना जिससे उन्हें अपने प्रारूप में संशोधन करने के अवसर प्राप्त हों। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण के अंत से आरंभ होता है, इसे क्या कहा जाएगा? नंबर 1, स्थानिक जागरूकता। 2, प्रतीकात्मक विचार। 3, मानस मानचित्रण। 4, वस्तु स्थायित्व। तो इसे कहा जाएगा प्रतीकात्मक विचार, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, एक कहानी पढ़ने के बाद गीतिका कहानी अपने शब्दों में सुनाती है और उसमें कुछ नए पात्र एवं घटनाएं जोड़ती जाती है, इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? नंबर 1, बच्चे को टोक देना चाहिए। 2, बच्चे की सराहना करनी चाहिए। 3, बच्चे को सजा देनी चाहिए। 4, बच्चे की अनदेखी करनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चे की सराहना करनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कूजन और बबलाना शिशु की पहली बाघ ध्वनियां हैं, कूजन का तात्पर्य क्या है? नंबर 1, शिशुओं के साथ बात करते समय वयस्क की भाषा का एक रूप
टूल लगभग 2 माह के शिशुओं द्वारा निकाली गई रुचकर आवाजें स्वर 3-6 माह की आयु की शुरुआत में व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तानों का दोहराव 4 वयस्क द्वारा ऊंचे स्वरमान में बोले गए छोटे छोटे वाक्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लगभग 2 माह के शिशुओं द्वारा निकाली गई रुचकर आवाजें स्वर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।